झारखंड एकेडमिक काउंसिल का रिज़ल्ट जो बनाया जा रहा है या कहा जा रहा है पूरी तरह से टेबुलेशन का कार्य समाप्त हो गया है। तो कुछ छात्र ये जानना चाह रहे थे कि टेबुलेशन का कार्य है क्या, टेबुलेशन हो किसे कहते हैं, ये पूरा इस वीडियो में आपको पूरी तरह से डिटेल बता रहे हैं। तो चैनल के साथ बने रहें और जो न्यू व्यूअर्स उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेबुलेशन कार्ड जो है जब आप अपने रिज़ल्ट को देखते हैं तो रिज़ल्ट रो वाइज और कॉलम वाइज में डिवाइड होता है। जैसे रो वाइज में आपका नाम रहता है, रोल नंबर रहता है, रोल कोड होता है और आप जिस विद्यालय से होते हैं उस विद्यालय का स्कूल कोड होती है। फिर आपके सब्जेक्ट वाइज रो वाइज आपके सारे सब्जेक्ट का अंक दिया हुआ होता है। ये कार्ड कहलाता है टेबुलेशन का कार्ड। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने टेबुलेशन का कार्ड को पूरी तरह से अब कम्प्लीट कर लिया है, सबसे पहली बात। और रिज़ल्ट के बारे में ये अप टू डेट है कि रिज़ल्ट जो है जब टेबुलेशन कार्ड समाप्त हो चुका है तो ये टेबुलेशन के बाद अब आपको मार्क्स जो है पूरी तरह से सभी छात्रों का बैठा दिया गया है और रिज़ल्ट जो है वो आपको एक या दो दिन के अंदर में, अभी तक कोई खास मतलब यूँ कह सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन नीजो के तरफ से ये सोर्सेस से ये पता चल रहा है कि बहुत जल्द आपका एक दो दिन के अंदर अंदर आपके रिज़ल्ट क्लास 10 का रिज़ल्ट सबसे पहले आएगा, लेकिन जुलाई के लास्ट वीक में भी आने की उम्मीद है। सो हो सकता है एक दो दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ जाएगा। जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उसको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।